बहु चर्चित रणजीत सिंह कतल मामले के अज सज़ा का ऐलान हो गया। जी हाँ, सारे दोषियों उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तुहानू दस दिए बहु चर्चित मामला पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के चल रहा है। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम सने सारे पांच दोषियों उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। राम रहीम से 31 लाख के बाकी दोषियों से 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। दोषी सबदिल जसबीर अवतार कोर्ट के मौजूद रहे, जबकि राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पेशी के शामिल होया। कोर्ट ने 8 अक्तूबर को राम रहीम सने 5 को दोषी करार दे दिया सी ते अज सज़ा का ऐलान होना सी। सज़ा का फैसला आ चुका है, सारे दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। डेरा सच्चा सौदा के सबका मैनेजर रणजीत सिंह का 2002 के कतल होया सी। इस पूरे मामले में लैके राम रहीम सने जिहड़े तमाम दोषी सी उन्हां नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ, राम रहीम सने सारे के सारे 5 दोषियों को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। गुरमीत राम रहीम जिन्ना वड्डा गुरु उन्नी ही वड्डी चेलियां दी फौज रखता सी, पर जदों उसके पाप का कड़ा भरिया तो उसका हर गुनाह दुनिया के सामने आ गया। गुनाह भी अजिहे जो घिनौने सन, उन्हां दी फहरिस्त हुण तक खत्म नहीं हो रही। साधवियों के शरीरक शोषण के गुनाहगार राम रहीम नूं अपने एक होर जुर्म की सज़ा मिल चुकी है। लोगों की अंधभगती अंधश्रद्धा की आड़ विच अपने ही हमायती रणजीत सिंह का कतल कराने का दोषी गुरमीत राम रहीम हुण कुछ होर साल सलाखां दे पिछे कटेगा, जां कह लो सारी उम्र सलाखां दे पिछे ही रहेगा, क्योंकि पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रेमी रणजीत सिंह कतल मामले दे विच गुरमीत राम रहीम अते उसके 4 होर साथियों नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस दे नाल ही राम रहीम नूं 31 लाख अते बाकी मुलजमान नूं 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कंप्लेनेंट के वकील को भी सुनाया और सब ने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी कि इस केस डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कोर्ट ने वो सारी की सारी जो इनकी प्रेयर्स वो सब विनोद ने और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस जी 7 के 7 और बाकी कंपनसेशन जो एक 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाए। रणजीत सिंह कौन सी अते उसका कत्ल क्यों ते किवें कीता गया वो भी तुहानू दसदे हां। रणजीत सिंह डेरा प्रेमी होने तो इलावा डेरा सच्चा सौदा का सबका मैनेजर भी सी। साल 2001 दे विच उसका कतल कर दिता गया। रणजीत सिंह का कतल साधवी यौन शोषण मामले करके किया गया सी। डेरा प्रबंधकों को शक सी कि शरीरक शोषण की अज्ञात चिट्ठी रणजीत सिंह की भैन वालों लिखी गई सी। इसे शक के चलदे रणजीत सिंह नूं मौत के घाट उतार दिता गया। रणजीत सिंह के पिता ने हाई कोर्ट के विच अपील की सी कि केस सीबीआई नूं सौंपिया जाए। सीबीआई ने संबंध में साल 2003 के विच एक केस दर्ज किया। साल 2007 के विच सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर की सी। सीबीआई ने चार्जशीट के विच राम रहीम नूं मुख मुलजम बनाया। चार्जशीट के विच राम रहीम के नाल 4 होर लोगों नूं भी दोषी बनाया गया सी। कई साल तक लंबी सुनवाई तो बाद हुण राम रहीम नूं दोषी करार दे दिता गया ते उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है, इस तरह के देखते आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी बिल्कुल, जो दूसरे पे हमें पूरा विश्वास था हमारे साथ इंसाफ हो ऐसा सामने देखे बोले मौत की मांग कर रहे थे अदरवाइज तो आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बढ़ाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। साधवी शरीरक शोषण मामले के विच गुरमीत राम रहीम नूं 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस तो बाद पत्रकार छत्रपति के कतल मामले के विच भी राम रहीम नूं उम्र कैद की सज़ा मिली है। तो इसे फहरिस्त विच एक होर सज़ा रणजीत सिंह कतल मामले की भी जुड़ गई है, जिस तो बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि हुण राम रहीम
ज्यौंदा जेल की कोठड़ी दे विचों बाहर नहीं आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीसी न्यूज़।